नमस्कार, जय श्री राम, जय हिंद। क्या हाल चाल है आप सब लोगों के? एक नए पॉडकास्ट में आप लोगों का फिर से स्वागत है। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इस समय मेरे साथ हैं भारत के इकलौते, पहले और इकलौते शिफू शाओलिन मास्टर। शिफू कनिष्क शर्मा के बारे में आप बहुत कुछ जानते होंगे, पर जो लोग नहीं जानते हैं उनको आज हम कुछ ऐसी स्टोरीज से अवगत कराएंगे जिनको सुन के ना आप रोमांचित महसूस करोगे, थोड़ी प्रेरणा भी आएगी और ज़िंदगी में लगेगा कि आर यू डूइंग एवरीथिंग दैट यू कैन टू सक्सीड इन लाइफ। एक ऐसी इंस्पायरिंग स्टोरी जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि इज देयर समथिंग एल्स दैट यू कैन डू टू मेक श्योर कि आप जो काम करना चाहते हो वो सक्सेसफुल हो। आइए बात करते हैं शिफू सर से और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी थी जिसकी वजह से उन्होंने जनरेशनल काम को छोड़ के एक नए रास्ते को चुना। शिफू सर नमस्कार। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। थैंक यू सो मच सर। जैसे कि मैंने बोला जी, बिफोर आई गो इन टू द स्टोरी कि आपकी ये जर्नी कैसे शुरू हुई, मैं थोड़ा आपकी फैमिली के बारे में जानना चाहता हूँ, क्योंकि कम्प्लीटली डिफरेंट जॉनर ऑल टुगेदर। जर्नलिज्म बैकग्राउंड, यस, फ्रीडम फाइटिंग में भी आपकी फैमिली इन्वॉल्व रही है, उसके बारे में अगर थोड़ा आप बता सके बिफोर वी कम ऑन टू योर लाइफ। सो लाइक आई सेड, हर फैमिली के दो हैं, मैटरनल एंड पैटरनल। सो माय मैटरनल साइड इज ऑल फ्रॉम माय नाना, ही वाज किंग ऑफ ग्वालियर स्टेट। ओके। एंड माय ग्रैंडफादर, माय मदर्स नाना, ही वाज PWD एंड होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया विद पंडित नेहरू। ओके। सो अ पॉलिटिकल लाइन, माय ग्रैंडफादर साइड यू हैव फोर जनरेशंस ऑफ जर्नलिस्ट। My grandfather took out a news magazine during the freedom fighting time called Vishal Bharat. Okay. My father, he was a editor of Sunday Observer, which was launched by Reliance, Sahara. He launched Ravivar. My brother is an editor. My bhabhi is also into journalism, she's a bureau chief. So all my family is into journalism. And so, it's been four generations, yeah. So how did you shift from that? Because I'm pretty sure जैसे लोगों का pressure होता है family का, कि doctor का बेटा doctor बनेगा, engineer father wants कि बेटा engineer IAS बन जाए। You went in a different direction altogether. ये कैसे हुआ sir? अब मुझे लगता है कि ये जो थोड़ा सा you know martial arts का जो एक बीज है मेरे अंदर आया है, वो मुझे लगता है it came from my grandfather. Okay. He was a freedom fighter, very particular about his fitness, about his regime, you know. And like I said, that हमारे घर को बम वाली कोठी बोलते थे, वहाँ पे बम्स बनते थे। So this fighting spirit उनके अंदर थी, तो वही शायद मेरे अंदर आई है। And I loved martial arts from childhood, and I knew that कि मुझे I hated studies. Okay. मुझे बिल्कुल पढ़ाई नहीं करना पड़ता था, और मुझे सबसे ज़्यादा ट्रिगर मेरी लाइफ में मेरे भाई से पर्सनली कभी नहीं हुआ, बट भाई को लेके जब कंपैरिजन होता था फैमिली को लेके, भाई को लेके, कि फादर इतना बड़ा आदमी है, यू नो जर्नलिस्ट दिस, और सब पढ़े लिखे हैं, एवरीबडी लव्स रीडिंग बुक्स इन माय फैमिली, और मुझे किताबें पढ़ना पसंद नहीं थी। एंड माय ब्रदर वाज वेरी गुड इन स्टडीज, तो एक यू नो कॉन्स्टेंट कंपेरिजन, अरे ये क्या करेगा इसको देखो ये ऐसे करता है, ये क्या करेगा इसको देखो, वो बहुत हिट करता था मुझे समवेयर इन द लाइफ। ओके। सो दैट वाज वन ऑफ द ट्रिगर्स। बट लाइफ में लाइक आई सेड दैट जो मेन चीज़ जिसकी वजह से मैं इस पाथ में गया, एक आपके पास खुद का एक पैशन होना चाहिए। आजकल क्या होता है, लोग काम करते हैं एंड वीकेंड्स में अपना पैशन ढूंढते हैं, जब फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं काम कर करके। एंड पैशन डजंट मीन्स मनी, आजकल लोग पैशन को पैसे से बहुत इक्वेट करते हैं। करेक्ट। और पेरेंट्स भी जिस तरीके से सब नहीं आई एम श्योर, बट अ लॉट ऑफ पेरेंट्स इन इंडिया डू दैट, बेटा वो प्रोफेशन ज्वाइन कर लो उसमें पैसा बहुत है, ये प्रोफेशन कर लो इसमें पैसा बहुत है, सरकारी नौकरी ये ट्रेंड में है, सेफ हो जाओगे, ये हो जाओगे। वो जो मैं आपसे बात कर रहा था कि भगत सिंह चाहिए, तेंदुलकर चाहिए, युवराज सिंह चाहिए, घर में नहीं चाहिए। अब जो बच्चा खेलना शुरू करेगा, अरे पढ़ो इस सबसे कुछ नहीं होगा, अगर इसका कुछ नहीं होता एटलीस्ट पढ़ लिख लोगे तो कुछ नौकरी पालोगे। आप बचपन से बच्चे की ट्यूनिंग ही वैसे, आप उसको एक्सप्लोर ही नहीं होने देते। मूवीज आप अप्रिशिएट करोगे थ्री इडियट्स टाइप,
जो ये मैसेज देती हैं कि आप बच्चे को अपना पैशन फॉलो करने दो, लेकिन आप फॉलो नहीं करने देते हैं। जो आप बोल रहे हो ना कि बाहर ठीक है लेकिन मेरे घर में नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। लेकिन मेरा एक अपना एक पैशन था बचपन से, एंड आई डोंट नो व्हाई, सो एज आई सेड जीन्स। और एक रीजन है माय ड्राइवर, द ड्राइवर, या मेरा ड्राइवर तो नहीं था, खैर मैं तो बहुत छोटा था, मेरे लिए तो भैया ही थे, बिकॉज माई फादर वॉज वेरी पर्टिकुलर अबाउट कि आपके घर में जो भी डोमेस्टिक हेल्प है उसको कभी भी नाम लेके नहीं बुलाया जाएगा। तो उस बात पे बहुत पिटाई होती थी मेरी। तो हम लोग तो सूरज भाई बोलते थे, मुन्ने भैया, तो ही उस जैसे एक छोटे बच्चे को, यू नो, अमर चित्र कथा है हमारे टाइम में, आजकल के तो बच्चे को तो पता नहीं है, दे ऑल इनटू गेमिंग एंड स्टफ। तो जैसे अमर चित्र कथाएं पढ़ाई जाती थी, वो ऐसे मुझे कंधे में बैठा के ही यूज्ड टू नरेट मी द स्टोरीज ऑफ कुंफू फिल्म्स लाइक 36 चेंबर्स ऑफ शाओलिन, ओके, मैड मंकी कुंफू, यू नो, ड्रंकन मंक, एंड ही वुड नरेट एंड ही वुड इनएक्ट। सो फॉर मी मींस आई वेंट इनटू दैट एंटायर वर्ल्ड, एंड देन वन डे, उस जमाने में वो VCR कैसेट्स होते थे, तो वो लेके आया पालिका बाजार से, एंड ही शोड मी द फिल्म, एंड आई जस्ट वेंट ऑफ। मींस आई रिमेंबर फादर केम At night I said I want to be a Shaolin monk. तो वो मेरे अंदर घुस गया इंजेक्शन। तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ड्राइवर की और वो मुझे सुबह उठ के एक्सरसाइज भी कराता था, उसको कुछ नहीं आता था कुंफू का। और आपको पता है दिल्ली यूनिवर्सिटी में उस टाइम पे कुंजियाँ मिलती थी एग्जाम्स के लिए, नेपाल बॉर्डर में कुंफू की कुंजी मिलती थी जिसमें वो जो मूवीज में भी दिखाया गया है कि हाथ ऐसे हाँ हाँ, तो हाथ वात बने होते थे, यूज टू गेट दैट फ्रॉम मी सोर्स करके, तो मैं वो देख देख के आई यूज टू डू दैट। तो यू नो आदमी वो बनता है ना अपनी एक्सपीरियंस की वजह से बनता है, करेक्ट। सो द बिग रोल गोज टू सूरज, सूरज भैया, तो वी आर थैंकफुल कि सूरज भैया ने आपको उस डायरेक्शन में पुश किया। हाँ, तो सर सूरज भैया की तो बात है कि उन्होंने इंस्पायर किया। मैं आपके पिछले इंटरव्यूज देख रहा था, अ वेरी इंस्पायरिंग थिंग आउट ऑफ दोज पॉडकास्ट जो मुझे देखने को समझने को आई, यू डिड योर MBA, या आपके पास अच्छी खासी नौकरी भी थी जी, पर ये लंच के बाद काम नहीं करूंगा, हाँ, कि 3 बजे ऑफिस छोड़ के जिम के लिए चला जाऊंगा, हाउ डिड दैट थॉट प्रोसेस इंपैक्ट योर करियर? फ्रस्ट्रेशन है, फ्रस्ट्रेशन, दैट वाज फ्रस्ट्रेशन एंड माय रेजिस्टेंस कि मुझे नौकरी नहीं करनी। तो मैंने बोला ना, ये घर घर की कहानी है, मेरे घर में भी मेरी मदर ने कराई नौकरी, अच्छा करो, एंड आई वाज फाइटिंग इट। जब MBA कर लिया तो नौकरी करनी जरूरी है, नौकरी करो, एंड देन अ वेरी, खैर उस इंसिडेंट में बाद में आऊँगा। तो मैं मुझे हमेशा सपोर्टिव लोग मिले, तो मेरा बॉस बहुत सपोर्टिव था, मिस्टर दिव्येंदु दीपक, ओके, ही वाज माय मैनेजर। तो ही सॉ, यार क्या लड़का है, 24 घंटे मतलब मार्शल आर्ट्स की बात करता है। तो मैंने उनको बोल दिया, मैंने, दीपक सर 3 बजे के बाद काम नहीं होगा, मेरे से काम नहीं होगा, एनी न्यू, आई टोल्ड हिम वेरी अपफ्रंट। मैंने कहा मैं कस्टमर विजिट पे निकल जाऊँगा, ओके, एनी न्यू, क्यों कस्टमर विजिट तो मैं जाता नहीं। ओके, टू कट लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, वहाँ से मैं सम्राट होटल चला जाता था, लाजपत नगर, जिम करने, लाजपत नगर, नहीं अशोक होटल, सम्राट होटल, okay. वहाँ से फिर मैं अपने घर जाता था। मैं आई वॉज टीचिंग ऑलरेडी वन आई वॉज एट पास आउट कॉलेज, आई वॉज अ टीचर, ओके, आई स्टार्टेड मार्शल आर्ट्स व्हेन आई वॉज 5 years old, ओके, तो करते करते बहुत साल हो गए थे इंडिया में, एंड देन माई फादर गॉट डायग्नोस्ड ऑफ ब्रेन ट्यूमर कैंसर, एंड आई वॉज स्टिल इन रिलायंस, एंड वन डे ही कॉल्ड मी एंड ही स्पोक टू मी, सर यू डोंट लुक हैप्पी, हाउ डू यू फील इन योर जॉब? तो मैंने, जैसे वो हमेशा बोलते थे, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, बट डू यू कनेक्ट विद इट और नॉट? सर टोल्ड हिम आई डोंट कनेक्ट विद इट, एंड आई सेड आज से 15 साल बाद मैं शायद वाइस प्रेसिडेंट भी बन जाऊँ इस कंपनी का, लेकिन मुझे मेरे कस्टमर, जो भी कंपनीज जिनसे इंटरेक्ट करूँगा वो, और जो नीचे इस ऑफिस के पनवाड़ी बैठता है वो, उसके सिवा और कोई नहीं जानेगा। मैंने, दैट इज़ नॉट वॉट माई लाइफ इज, ये सब क्या करना है तुम्हें? आई सेड यू नो व्हाट आई वांट टू डू, आई वांट टू बी अ मार्शल आर्टिस्ट। देन ही सेड हू इज़ स्टॉपिंग यू? मनी, मनी। एंड ही सेड ऑलवेज रिमेंबर, You cannot do and you cannot love everything in your life. Do what you love doing. That is number one. Second, he told me, remember, passion has to be your profession. Rest, everything will follow in life. Third, he said, choice tumhare upar hai,
कि तुम्हें झुंड में चढ़ के भेड़ बकरी बनना है या हिरण या शेर बनना है। इसे जिंदगी में कुछ भी काम करना पर बी द बेस्ट। झाड़ू लगानी है तो प्राइम मिनिस्टर के घर में लगाना बेटा, ड्राइवर हो तो पीएम, प्रेसिडेंट या एनीवन हु इज द बेस्ट उसके घर में, एंड बी द बेस्ट ड्राइवर, एंड बी द बेस्ट ड्राइवर। यू नो स्पोर्ट्समैन बनना है, बी द बेस्ट, एवरेज नहीं। इसे ही टोल्ड मी, इसे ट्राउट फिश करंट के उल्टा चलती है, करंट के साथ नहीं चलती। लाखों लोग इस देश में, अगर आप वो जैसे वो आप लोग एडिटिंग में नहीं करते, बहुत सारे लोग आ रहे हैं जा रहे हैं आ रहे हैं जा रहे हैं, ऑफिस आ रहे हैं ऑफिस जा रहे हैं, पूरी जिंदगी निकल जाती है उनकी यही करते हुए, मशीन की तरह चल रही है। रात को सोए, दो पैक लगाए, सुबह उठे, ऑफिस जाना है, डिब्बा पैक हो गया, गए वापस आए, ऑफिस क्लाइंट ये वो बूम बूम बूम। आपने क्या किया? व्हाट हैव यू डन? कौन जानता है आपको? इफ योर ड्रीम इज दैट then it's fine, then it's okay, there's nothing wrong with that. But if you want to be big, it requires a bigger sacrifice. Sher akela chalta hai. Mount Everest mein, jab aap upar chadhte ho na zindagi mein, to aap akele hote ho. Aur jab aap niche aate ho, to aapko bahut se log milte hain. Isliye jab aapka ganda time aata hai na, tab bahut log aayenge aapke paas. Aap dekhiye, aapko aur niche dikhane ke liye. Correct. मेहनत के वक्त आपको सपोर्ट करने के लिए कोई नहीं आता, जब आप चढ़ रहे होते हो ना, तब एक या दो ही शाखाएं हैं ना जिनको आप पकड़ के चलते हो, लाइफ में सपोर्ट मिलता है आपको। सो ही सेड टू बी बिग, बिगर द सैक्रिफाइस, एंड टू बी द बेस्ट यू हैव टू गो मैड ओवर इट। कैजुअल लव नहीं हो सकता, यू हैव टू बी क्रेजी फॉर मार्शल आर्ट्स। आर यू क्रेजी इनफ? Then you sold everything and then you went to China. फिर मेरे फादर की डेथ हो गई, तेरी भी हुई, 13 दिन मैंने जाके रेजिग्नेशन दिया, एंड देन ऑफ कोर्स लाइक यू सेड आई सोल्ड वॉट एवर आई हैड आई सोल्ड। तो मैं अपनी माँ के पास गया एंड आई रिक्वेस्टेड हर टू सपोर्ट मी इन व्हाट आई डू, एंड शी डिड, एंड शी टोल्ड मी वन थिंग कि सक्सेस तुम्हारी और फेलियर तुम्हारा, बाकी मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ। आई एग्री, एंड दैट्स इट। फिर नहीं रुका मैं। इवन आई बिलीव इन दिस थ्योरी सर कि अगर आपको फेल होना भी है, एटलीस्ट अपना डिसीजन लेके किसी और के बोलने से नहीं। ऐसा है ना, आप दूसरे कहने से जो काम करते हो उसमें जब आप फेल होते हो ना, उसमें आपको ज्यादा बुरा लगता है। बुरा लगता है। आप अपने काम में फेल हो जाओ 10 बार, एटलीस्ट आप कर तो वो रहे जिसको आप प्यार करते हो। फिर अच्छी नौकरी, MBA भी कर लिया, फैमिली इतनी वेल नोन, एस्टैब्लिश्ड, एवरीथिंग, सब कुछ यहाँ छोड़ छाड़ के यू वेंट टू चाइना। शाहरुख खान का एक इंटरव्यू है, उसमें मैं कोट बताना चाह रहा हूँ। एक आदमी जर्नलिस्ट ने उससे पूछा था कि आप मिस नहीं करते कि कभी शाम को 6 बजे जाके बीच पे दोस्तों के साथ वड़ा पाव खाए और पानी पूरी खाएं? से मैं बिल्कुल नहीं करता। आई डेंट वर्क सो हार्ड कि मैं शाम को जाके वड़ा पाव और पानी पूरी खाऊँ, इसे मेरा वो ड्रीम नहीं है। इसे भगवान ने इतना दे दिया मुझे, I don't miss that. You can't miss that. So you have to sacrifice a lot of things. Correct. जब मेरे दोस्त पार्टी कर रहे थे कॉलेज के, यू नो, जब मैं आपको कॉलेज बताया, तो मैंने कॉलेज भी कॉरेस्पॉन्डेंट से किया। ओके। एडमिशन छोड़ के, रामजस में एडमिशन था, छोड़ दिया। कॉरेस्पॉन्डेंस ली मैंने, सुबह 4 बजे उठता था, ट्रेनिंग करने जाता था, वापस आता था, ट्यूशन करता था, फिर क्लास लेता था, फिर ट्यूशन करता था, फिर सोता था। 3 साल तक यही करता रहा मैं। तब मेरे दोस्त पार्टी करते थे, वो गेड़ी है ना दिल्ली में कहते हैं, गाड़ी चलाना, दोस्तों के साथ यारी दोस्ती करना। 21 साल की उम्र में जब पीपल वर बिजी मेकिंग गर्लफ्रेंड्स एंड दे वर चिलिंग, आई वाज ट्रेनिंग हार्ड 8 आवर्स विद द मंक्स इन द शाओलिन टेम्पल। यहाँ तो लोग उत्तर प्रदेश से केरला नहीं ट्रेन से अकेले भेजते बच्चे को। अरे 20 साल का बच्चा कभी बाहर नहीं निकला घर से। आप सोचो, मैं 20-21 साल का था, फ्लाइट पकड़ के चाइना चला गया जहाँ पे भाषा नहीं बोलते, मुझे कुछ नहीं पता था। You knew no one, कोई सपोर्ट नहीं, कुछ भी नहीं। But I had a dream. और मेरे लिए वो ड्रीम ज्यादा इम्पोर्टेंट था। मैं कैसे कैसे रहा हूँ, आई कांट टेल यू। बंक बेड में जगह नहीं है, आई हैव ट्रैवल्ड इन द चाइनीज ट्रेन जहाँ पे मेरे पास पैसा नहीं था, तो ऐसे फ्लोर में वो ट्रेन के नीचे जहाँ बक्सा घुसाते हैं ना, वहाँ घुस के सोया हूँ गंदगी में। आई हैव डन एवरीथिंग, आई हैव डन माई बिट ऑफ हार्डशिप्स एंड स्टफ,
So how was the training process वहाँ पे टेम्पल? क्योंकि हमने तो सर मूवीज ही देखी हैं, जैसे अभी पहले डिस्कशन कर रहे थे। अब इंडिया में जैसे बचपन में आपने भी कभी कराटे टैकोंडो किया होगा, तो मंडे ट्यूसडे फ्राइडे, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे दो घंटे की क्लास होगी। दूसरा पेरेंट्स भी डालते हैं, अरे सर कुछ तो कराओ, कुछ तो एक्सरसाइज करेगा, हमको फ्री टाइम मिल जाएगा। 50% पेरेंट्स ऐसे होते हैं बच्चों को जो मार्शल आर्ट्स में डालते हैं कि भैया हमको घर में शांति मिलेगी, दो घंटे की छुट्टी है। मैं सही बता रहा हूँ, बाकी माफ करिए अगर पेरेंट्स को ये बात बुरी लग जाए, बट ये सच्चाई है। और बच्चा नहीं करना चाहता डोजो में एक्सरसाइज, बट टीचर भी लगा हुआ है कराने में। आप और मैं वहाँ पे दिन के 7 घंटे कर रहा हूँ, आप फर्क देखो। अगर आप कैलकुलेट कर लो हफ्ते का 6 घंटा तो महीने के कितने हुए? 24 घंटे। वहाँ दिन के 7 घंटा, एक हफ्ते में कितने हुए आप? दिस इज एवरी डे। सुबह 4 बजे उठना, फिर ट्रेनिंग करना, 1000 मीटर का पहाड़ भागना, फिर लाइक अ डॉग हैंड एंड फीट पे नीचे आना, स्क्वाट पोजीशन पे आधे आधे एक एक घंटे रहना। 25 दिन मैंने कॉम्बी फ्लेम खा के उतारे, मतलब खड़ा हो जा रहा था तो बैठा नहीं जा रहा था, बैठ गया तो खड़ा नहीं हो सकता था, इतना पेन। और ये नहीं, आज आई एम 47 ईयर्स ओल्ड, गोइंग टू बी 48 एंड आई स्टिल ट्रेन। नॉट जस्ट फिजिकली, आई इन्वेस्ट ऑन माई ट्रेनिंग। हर साल मैं अपने टीचर से जाके ट्रेन करता हूँ, बिकॉज द डे यू स्टॉप बींग अ स्टूडेंट यू विल डाई। एज अ पर्सन हु वॉन्ट्स टू ग्रो इन हिज लाइफ एंड एज अ टीचर। सर मार्शल आर्ट जब लोग सोचते हैं, यू नो स्पेशली कोई भी एक्शन चीज़ जब लोग उसके बारे में सुनते हैं, बात करते हैं, दे हैव दिस परसेप्शन कि एवरीथिंग इज़ फिजिकल। आपको डम्बल उठाना है, वजन उठाना है, पानी की बाल्टियाँ लेके चढ़ना है, जो मूवीज हमने देखा, जो मैं बताने की कोशिश कर रहा था, थिंग्स लाइक दैट। बट देयर इज अ मेंटल गेम ऑल्सो, बिकॉज आपकी बॉडी जितना साथ दे सकती है, अगर दिमाग पहले आपका साथ छोड़ दे, योर बॉडी गिव्स अप वेरी इजीली। हाउ डू यू ट्रेन योरसेल्फ मेंटली? द एक्सरसाइजेस व्हिच आर डन इन शाओलिन आर डन सो दैट यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ माइंड ओवर मैटर। सी, एक कहावत है ना, यू डोंट लूज इन लाइफ व्हेन यू फॉल, यू लूज व्हेन यू रिफ्यूज टू गेट अप। करेक्ट। जब आप गिर के खड़ा नहीं होना चाहते हैं, वो गिर के तभी खड़े होते हैं जब आप मेंटली टफ होते हैं। द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ स्ट्रीट सर्वाइवल, और आम जनता के लिए अगर नहीं पता, सेल्फ डिफेंस जैसे लोग बोलते हैं, इज नॉट, अब मैं फिजिकल फाइटिंग की बात कर रहा हूँ, इट इज अ स्टेट वेर यू गेट अप आफ्टर गेटिंग पंच्ड और थ्रोन इन अ स्ट्रीट एंड यू आर डिजी, यू स्टैंड अप एंड देन फाइट। अब ये लोग बोलते हैं आप ये मेंटल टफनेस कैसे डिनोट करेगा लाइफ में, ये इसलिए मार्शल आर्ट्स में आप फाइट करते हो, आप गिरते हो, आपको टीचर फिर बोलता है स्टैंड अप अगेन। आप स्प्रिंटिंग कर रहे हो 100 मीटर की, आप गिर गए, वो बेटन हाथ से गिर गया, आप फिर खड़े होते हो, आप फिर भागते हो। बचपन से हर स्कूल, माँ बाप, टीचर्स इस कॉन्सेप्ट को सिखाने की कोशिश करते हैं कि जिंदगी में आप 100 बार गिरोगे, बट एवरी टाइम यू फॉल यू हैव टू गेट अप। बट वो समझ नहीं आता है किसी को। सेल्फ डिफेंस बचपन से माँ बाप सिखाते हैं, आप अपने स्टाफ को सिखा रहे हो। रात को जो आखिरी आदमी जाएगा, भैया पंखा बत्ती बंद करके ताला लगा के जाना ऑफिस से। ताला लगा के क्यों जाना? सेल्फ डिफेंस अगेंस्ट रॉबरी, सेफ्टी। लुक लेफ्ट एंड राइट, सेल्फ डिफेंस अगेंस्ट नॉट गेटिंग हिट बाय अ कार। करेक्ट। आप अपनी सिस्टर को फोन करके बोलते हो भाई कौन सी टैक्सी में बैठी हो, नंबर बता दो मुझे। क्या है? सो सेल्फ डिफेंस इज नॉट एन एक्ट ऑफ फाइटिंग, इट इज अ एक्ट ऑफ सर्वाइविंग। सर्वाइविंग हाउ नॉट टू बिकम अ विक्टिम, और फिजिकल कन्फ्रंटेशन इज अ लास्ट पार्ट ऑफ इट। जब कुछ नहीं बचता, तब जब कोई आपके फिजिकल स्पेस क्रॉस कर दे, आपकी गर्दन दबाने लगे, आपको मारने आ जाए, दैट इज अ टाइम यू नीड काउंटर मेजर्स टू डिफेंड योर सेल्फ। उसमें भी आपको पता होना चाहिए कि एज अ सिविलियन व्हाट आर यू अलाउड टू डू। अब कोई कॉलर पकड़े और आप गर्दन तोड़ दो, फिर उसका रिपरकशन क्या होगा? थाना, जेल, लीगल केस। आर यू रेडी टू डू दैट? मेक्स नो सेंस। अब मेरी प्रॉब्लम यह है, जिसके लिए मेरे को बहुत लोग ट्रोल भी करते हैं, मैं बहुत कैंडिड हूँ। इंडिया में सेल्फ डिफेंस के नाम पे बहुत वाहियात, क्योंकि खुद तो सीखे नहीं है, यूट्यूब से सीख के बन गए टीचर्स, 5 साल में कराटे करके बन गए सेल्फ डिफेंस।
और उनकी YouTube फॉलोइंग बहुत है। अब उनके वीडियो जब मैं देखता हूँ तो मुझे हंसी आती है कि भैया क्या सिखा रहे हो, लोग उसको कॉपी करते हैं। ना तो दे हैव बीन, नाइदर दे हैव बीन एजुकेटेड ऑन लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ मार्शल आर्ट्स, नॉट दे हैव बीन ट्रेन्ड टू फाइट इन द स्ट्रीट। यू नो, मैं 2004 से इंडियन आर्मी को सिखा रहा हूँ, NSG, मार्कोस, गरोड, स्पेशल ऑप ग्रुप्स, स्पेशल टास्क फोर्स, सबको सिखा चुका हूँ। तो समटाइम्स सम पीपल से मेरे वीडियो में कोई बोल देता है सर दिस विल नॉट वर्क, तो मैं उसमें जवाब नहीं देता कि लोग बोलते सर आप रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हैं। ऐसे तो उसका काम ही यही है। एक इंग्लिश में कहावत है, अ फ्रूटफुल ट्री इज ऑलवेज स्टोन्ड, जिस वृक्ष पे फल लगते हैं पत्थर उसी पे मारते लोग। करेक्ट। लोग शाहरुख खान को गाली देंगे, लोग इसको गाली देंगे, लोग आपको भी ट्रोल करेंगे, कंपेयर करेंगे, क्योंकि वो खुद वो नहीं कर पाता। अब खुद कर नहीं पाता है, आपको करते हुए देखता है तो उसके पास फ्री टाइम बहुत है। तो अगर आप अपना टाइम उसमें दे देंगे और आप उसके लेवल पर चले जाओगे, वो वही तो चाहता है, फिर आपका और उसका लेवल बराबर हो गया। इसलिए मेरे फादर बचपन में एक चीज़ बोलते थे, बेटा कभी दूसरे की लाइन नहीं काटना, अपनी लाइन उससे लंबी बना दे। तो वो आपको ऐसे ही देखेगा जिंदगी भर। तो नेवर रिस्पॉन्ड टू दीज ट्रोलर्स ऑन YouTube, वो गाली भी बकेगा, वो आपको बोलेगा भी यू आर द वर्स्ट पर्सन, इस आदमी को कुछ नहीं आता, इसको यहाँ भेज दो। कीप स्माइलिंग। 15 कमेंट के बाद वो 16वां कमेंट करना खुद ही बंद कर देगा, बोले यार आदमी ढीठ है, कोई जवाब ही नहीं देता, इसकी ओर से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है। सर ट्रोलर्स ढीठ होते हैं, पर मैंने आपके कुछ इंटरव्यूज देखे हैं, सॉरी फॉर माय लैंग्वेज, ढीठ थोड़े आप भी हो। 6 महीने तक आप अपने शिफू के दरवाजे के बाहर बैठे थे द्वंद सीखने के लिए, एंड यू आर द ओनली वन जिनको उन्होंने सिखाया इवेंचुअली फाइनली। हाउ डिड दैट थॉट प्रोसेस कम, कि आपको पता था कि किसी को आज तक सिखाया नहीं है। हाँ, तो ढीठ अच्छी चीज के लिए होना और ढीठ गलत चीज के लिए। मान लीजिए आपके दो बेटे हैं, एक मैं और ये भाई साहब बैठे हैं, एक बेटा ढीठ बन जाए बोलने के लिए कि पापा प्लीज ट्रस्ट मी एंड सेंड मी टू द बेस्ट कॉलेज और मैं ये बनना चाहता हूँ, एनी फोर्सेस यू, और एक आपको बोल रहे हैं कि मुझे पैसे दे ताकि मैं ड्रग्स लूँ, किसकी ढीठ ज्यादा अच्छी है फिर? पढ़ाई वाले की ऑब्वियसली, ठीक है ना। वो तो आदमी को ढीठ होना चाहिए पर सही चीज के लिए, पर सही चीज के लिए, गलत चीज के लिए नहीं। तो गलत चीज के लिए करेंगे तो डंडे पड़ते हैं। जैसे एक एक गुंडे और एक टेररिस्ट, एक टेररिस्ट और एक आर्मी में क्या फर्क है? आर्मी भी मार रही है, टेररिस्ट भी मार रहा है। फर्क है दैट द टेररिस्ट आर किलिंग फॉर अ रॉन्ग रीजन, आर्मी इज किलिंग फॉर अ राइट रीजन टू प्रोटेक्ट यू, ठीक है ना। I am in the temple with so many Chinese people and I know everybody has told me this master is the best. तो विद्या जो है ना वो पैसे से खरीदी नहीं जाती। I agree. विद्या जब तक आप टीचर का दिल, इज्जत और ट्रस्ट गेन नहीं करते तब तक टीचर आपको नहीं देता है। 300 चाइनीज में से मैं अकेला था जिसको उन्होंने डिसाइपल बनाया। और फिर मुझे द्वंदा, द्वान मीन्स फास्ट एंड क्लोज, दा मीन्स हिटिंग, क्लोज फाइटिंग, ही इज अ मास्टर ऑफ क्लोज फाइटिंग, क्लोज क्वार्टर फाइट। उन्होंने 6 महीने बाद मेरे को एज अ स्टूडेंट एक्सेप्ट किया। 6 महीने तक मैं उनके दरवाजे पे बैठा रहता था सुबह दोपहर शाम और बोलता रहता था टीच मी टीच मी टीच मी, एंड वन फाइनल डे ही एग्रीड। ये भी होना जरूरी है आपके अंदर, और ये वही मेंटल टफनेस है कि नहीं एक दिन तो मैं सीख के रहूंगा आपसे, बट ये पॉजिटिविटी है। जैसे द सीक्रेट द बुक, यू आस्क एंड यू शैल रिसीव, मैनिफेस्टेशन ऑफ थॉट्स, आई मैनिफेस्टेड। सर आपने एक बड़ी अच्छी चीज बोली कि विद्या पैसे से खरीदी नहीं जा सकती। आपके मैं टेंपल के ऊपर थोड़ी और कॉन्वर्सेशन करूंगा, पर एक सवाल बीच में पूछना चाहता हूँ। पहले होता था एंड आई एम अ वेरी ओल्ड स्कूल काइंड ऑफ गाय, ठीक है आजकल हम लोग जिस भी एरा में, बट आई स्टिल हैव दैट थॉट प्रोसेस एंड आई फर्मली बिलीव इन दैट गुरु एंड शिष्य का रिलेशनशिप जो पहले था जी,
जो कि एक स्नेह का था, एक प्यार का था, कुछ सिखा के दक्षिणा के रूप में विद्या आपको दी जाती थी, फिर शिष्य अपने गुरु के लिए कुछ करता था। अभी क्या होता है, 30 घंटे का सर्टिफिकेशन कोई करके कोई टैरो कार्ड बन गया, कोई योगा टीचर बन गया, कोई फिटनेस कोच बन गया, 2 महीने का न्यूट्रिशन कोर्स करके आई एम न्यूट्रिशन कोच, सब कुछ हो गया। हाउ डू यू सी द चेंज दैट हैज हैपेंड? इज आर वी मूविंग इन द राइट डायरेक्शन या फिर बहुत ज्यादा? मैं अपने से ही बताऊंगा, मैं अपने से ही बताऊंगा, क्योंकि आई हैव माय स्कूल इन उत्तराखंड, शाओलिन गुरुकुल, शाओलिन टेंपल इंडिया जी, रेजिडेंशियल मार्शल आर्ट स्कूल है। ओके। और वहाँ पे फीस लगती है सीखने की। अब मैं जब शाओलिन टेंपल गया था उस टाइम में, 2001 की बात बता रहा हूँ, 1 महीने की फीस 45,000-50,000 रुपए थी। That's a lot. भले ही, हाँ मैं 2001 की बात बता रहा हूँ, 40,000 रुपए के करीब फीस थी, खाना पीना रहना और ट्रेनिंग। कोई आदमी एक क्यों मुझे 7 घंटे सिखाएगा, मुझे वहाँ रखेगा, खिलाएगा पिलाएगा, खिलाएगा और पिलाएगा, कपड़े भी देगा, क्यों? उसके एवज में मैं क्या दे सकता हूँ उसको? उसकी भी फैमिली है। करेक्ट। उसको भी अपनी फैमिली को पालना है। तो ये प्रोसेस तो बहुत सालों से चला आ रहा है। राजा है, फिर उसका वो है, फिर उसका वो है, एक हायरार्की है, उसके हिसाब से पेमेंट भी होता है। लेकिन उसमें हमारे शाओलिन कुंफू में, जैसे मैं आपको एक बेसिक चीज़ बताता हूँ, एक हो गए आउटडोर डिसाइपल्स। आउटडोर डिसाइपल्स मींस हमने एक कोर्स अनाउंस किया, आपको वो कोर्स एक्सपीरियंस करना है, आपने पेमेंट किया, इंस्ट्रक्टर्स ने आपको सिखाया, फिर आप कोर ग्रुप डिसाइपल बन जाते हो कि आप उस इंस्ट्रक्टर के यहाँ या उस टीचर के यहाँ सीखने लगते हो। टीचर आपको देखता है, आपका बिहेवियर कैसा है, आप टीचर के प्रति कितने कमिटेड हो, आपका कैरेक्टर कैसा है। वो होने के साल बाद या कुछ साल महीनों बाद वो टीचर आपसे पाइशे करवाता है। पाइशे मींस द स्टूडेंट गोज डाउन ऑन हिज नीज, ऑफर अ कप ऑफ टी टू द टीचर एंड वन टाइम दक्षिणा एंड देन द टीचर टीचेस हिम फॉर फ्री फॉर होल लाइफ। ओके। लाइक माई टीचर डज इट टू मी, सो आई हैव माई डिसाइपल्स। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ स्टूडेंट एंड देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ डिसाइपल। डिसाइपल बनने के लिए टाइम लगता है और वो आप पैसे से खरीद नहीं सकते। लेकिन आजकल जो आप बोल रहे हो ना कमर्शलाइजेशन, इसलिए मैं बोल रहा हूँ जिम कल्चर बहुत है। अब क्या है, कोई स्टूडेंट आए मेरे सामने और बोले यो ब्रो व्हाट्स अप, और मैं थोड़ा ओल्ड स्कूल का हूँ, दो समवेयर एल्स, मैं नहीं करा सकता। वो जिम में जाएंगे, हाई फाइव करें, दैट्स ओके, आई एम नॉट अगेंस्ट दैट, बट आई एम नॉट दैट टीचर। आई एम अ ओल्ड स्कूल टीचर, आई वॉज ट्रेंड दैट वे, आई टीच दैट वे। सो अ स्टूडेंट नीड टू स्पेंड अ कंसिडरेबल सम टाइम विद मी, व्हेन ही गेन्स माई ट्रस्ट आई मेक हिम माई डिसाइपल एंड आई आस्क हिम, I want to accept you as my student, or he ask me, can you be my master? See, दोनों तरफ से होना चाहिए, एक तरफा नहीं हो सकता, like love. Correct. It is both ways. It's not one way entry. Student wants, teacher wants, it will happen. आप एक लड़की से प्यार करती हो, वो किसी और से करती है, कैसे चलेगा? Breakup करा देंगे उसका. Breakup करा देंगे. Breakup कराने के बाद भी वो आपसे प्यार नहीं करती, मैं उठवा लूँगा, जबरदस्ती शादी कर लूंगा, फिर डिवोर्स होना है। वो नहीं काम करता कहीं पे भी। तो इसका फायदा भी बहुत से लोग उठाते हैं, हाँ हाँ बेटा मैं तुझे सिखा दूंगा, मैं इतनी फीस लूंगा, इतनी फीस लूंगा। तो हर प्रोफेशन में ये होता है। बट व्हेन स्टूडेंट्स, मतलब जो एस्पायरिंग लोग होते हैं जिनको शौक चढ़ जाता है, फिल्म देखे कि मैं भी अक्षय कुमार की तरह शौक चढ़ना, तलवार चला दूं, शौक चढ़ना ना बलून की तरह होता है, गुब्बारा, गुब्बारा जितनी जल्दी हवा भरता है ना उतनी जूम करके हवा निकलती है। क्योंकि ये फील्ड ऐसी है जिसमें बहुत, या आप कोई भी काम जो आप कर रहे हो या बहुत से लोग हैं, परसिस्टेंस चाहिए। इसमें एक फैक्टर और भी प्ले करता है, इसमें बहुत बिलीव करता हूँ, डेस्टिनी। अब मैं ये भी बोलता हूँ, इंडिया में मेरे से ज़्यादा अच्छे मार्शल आर्टिस्ट होंगे, पैदा भी हुए होंगे मेरी एज के, लेकिन भगवान ने उनकी डेस्टिनी में वो लिखा नहीं था, मेरी डेस्टिनी में लिखा था, लेकिन मेरे अंदर वो
गुदा था कि मैंने वो हार्डवर्क किया उसको पाने के लिए, उसके बिना वो हो भी नहीं सकता। आपकी डेस्टिनी में है, कहते ना घोड़े को पानी तक ले जा सकते हो, पानी पिला नहीं सकते। करेक्ट। अब पानी सामने रखा है, अब आप बोलो कि नहीं पानी तो मेरे पास ही आएगा, ये मेरी किस्मत में लिखा है, नहीं। वहां से वहां तक की रोड आपको खुद बनानी पड़ती है। करेक्ट। तो दोनों चीज काम करती है, एक हार्डवर्क आपसे मेरे से इनसे इनसे सबसे ज्यादा हार्डवर्क मालूम है कौन करता है? वो जो सीवेज लाइन क्लीन करता है ना गटर, वो आदमी जो नीचे जाके गटर से माल निकालता है, आप और मैं सोच भी नहीं सकते, वो है असली हार्डवर्क। उसकी तनख्वाह देख लीजिए, उसका सपोर्ट सिस्टम देख लीजिए, कुछ नहीं है। क्या करते हैं आप और मैं, कभी किया है हम लोगों ने उनके लिए कुछ? हमारी तो हिम्मत भी नहीं होगी वहाँ उतरने की, वही बोल रहा हूँ ना। तो वो तो प्योर हार्डवर्क है, ये हार्डवर्क करते हैं शाहरुख खान, अक्षय कुमार, जानवी कपूर करेंगे? बिल्कुल नहीं। किसी भी, मैं तो रैंडम नेम ले रहा हूँ, अनिल कपूर से लेके कोई भी एक्टर ले लो, फिर आप और मैं आ जाओ, जाएंगे उसके अंदर? बिल्कुल नहीं। मैं तो हम अपने से भी स्टार्ट कर सकते हैं इस चीज़ को, क्यों आप और मैं बैठ के इस अच्छे से रूम में बात कर पा रहे हैं? लेकिन उसके साथ हमारी मेहनत भी है। बिल्कुल। सिर्फ मेहनत और ये नहीं हो, ये मैं इस चीज को बहुत मानता हूँ। सर कमर्शलाइजेशन की बात कर ली हमने, बट एक सिस्टम भी चेंज हुआ है वर्कआउट का। जैसे हम थोड़ी देर पहले डिस्कशन कर रहे थे कि आजकल जो मशीन्स आ गई हैं, डंबल आ गए, जो हमारा डिस्कशन चल रहा था, डंबल रेजिस्टेंट बैंड्स एंड ऑल दोस थिंग्स, बट दीज आर ऑल, दे ऑल एग्जिस्टेड पहले। हाँ जी बिल्कुल। मीडियम अलग था, जिसको कहते हैं प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज, वो पहले किया जाता था। हाउ डू यू सी द चेंजेस, पहले ज्यादा सही था वो, या ज्यादा मतलब क्योंकि इट वाज ऑल नेचुरल, वो ज्यादा सही था, या अभी जो चल रहा है वो ज्यादा सही है? अब आप देखिए मिल्खा सिंह, गामा पहलवान, बहुत से ऐसे नाम आप ले लीजिए जिनके पास रिसोर्स ही नहीं थे, उन्होंने ऐसे कैसे रिकॉर्ड बना दिए जो आजकल के लोग इतने इक्विपमेंट और फिटनेस ट्रेनिंग के बाद भी नहीं बना पा रहे? ऐसा क्या था उनके अंदर? वो आपके पहले क्वेश्चन में आ जाता है, मेंटल टफनेस, द विलिंगनेस टू अचीव, कि नहीं मैं करके ही रहूँगा, फिर कुछ मायने नहीं रखता। बिकॉज ये सब चीज़ें हैं ना, दे आर चेरी ऑन द केक, केक इज हियर, आधी फाइट वही है, आधी से ज़्यादा फाइट वही है। अब आपको वर्ल्ड के बेस्ट कपड़े, बेस्ट इक्विपमेंट, बेस्ट ट्रेनिंग, लेकिन आप मेहनत ही नहीं कर सकते, फिर क्या फायदा है? पुराने जमाने में आज केटलबेल्स करते हैं, पुराने जमाने में शाओलिन के वेट्स होते थे। आज आपको जिम में लोग बोलते हैं स्क्वाट्स करो, उसको हम मार्शल आर्ट्स में हॉर्स स्टैंड्स बोलते थे। लेकिन अगर आप ये सब चीज देखोगे, ये योगा में भी है, दिस इज ऑल एग्जिस्टेंस। तो अष्टांग योग जो है हमारे यहाँ ओल्ड स्कूल योगा, वो एट लिम्स और सो वी हैव टू थिंग्स, प्लायोमेट्रिक्स एंड आइसोमेट्रिक्स। यू नो आइसोमेट्रिक्स आर मोर लाइक स्टैटिक होल्ड्स, एक जगह आप रुक गए, जैसे बाल्टी पकड़ के बैठ गए, मूवीज में दिखाते हैं। अब यू आर रेजिस्टिंग, आजकल रेजिस्टेंस बैंड है, बैंड लेके करवा, हाँ, या डंबल्स पकड़े हुए हैं। सो इन ओल्डर जनरेशंस वो वेरी इंटेलिजेंट एंड आई थिंक मोर इंटेलिजेंट देन मॉडर्न साइंस। आज आप ताजमहल बना सकते हो, आज लाल किला बना सकते हो, आप इनके स्ट्रक्चर देखिए, वो आज तक गिर नहीं रहे। पिछले 3 महीने में कितने ब्रिज गिरे हैं, आपने न्यूज़ देखी होगी, बिहार में तो हर दूसरे दिन, बिहार में अटल सेतु, आप जितने भी देख लीजिए, बन रहे हैं, टूट रहे हैं, बन रहे हैं, टूट रहे हैं। क्या है, आज की टेक्नोलॉजी तो बहुत बढ़िया है, क्यों हम ऐसे स्ट्रक्चर नहीं बना पा रहे, क्यों वो गिर जाते हैं, टूट जाते हैं? There was something, the science was way ahead before, I think we are far behind. हमारी एस्ट्रोलॉजी, हनुमान चालीसा में ऑलरेडी डिस्टेंस बता दिया सबको, उसमें कैलकुलेटेड डिस्टेंस है, सो वी वर वे अहेड आई थिंक एट दैट टाइम। उसके बाद हमारा पतन हुआ, मुझे लगता है हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन, वी वर वेरी मॉडर्न ऑल्सो एट वन टाइम। और अब आप देखोगे तो जो आपने अपने पॉडकास्ट में बोला था टेक्निकली, यू नो, हाँ नहीं तो मैं बता रहा हूँ, कुछ रियलिटी हो गई है हम लोगों के साथ, वी आर इन अ स्टेट ऑफ फ्लक्स, हम लोग हैं भी नहीं भी उस स्टेट में चल रहे हैं।
डिड यू फाइंड एनी सिमिलैरिटीज बिटवीन द कल्चर ऑफ इंडिया एंड द कल्चर ऑफ शाओलिन टेम्पल चाइना? इट्स सेम सेम आई थिंक कल्चर एवरीवेयर वाज सेम. मैं मतलब आई हैव आई गो ऑल ओवर द वर्ल्ड टू टीच. मतलब आई टीच वेरी रेगुलरली इन USA, in Austria, Canada, you know, a lot of other places, Sweden, Hong Kong, Thailand. हर कंट्री में मैंने देखा, you know, एक ओल्ड स्कूल मैंने जितने भी देखे हैं, it was a family culture. न्यूक्लियस नहीं था. ये न्यूक्लियर कल्चर बहुत अमेरिकनाइज है. बट हर जगह मैंने चाइनीज आर वेरी प्रोटेक्टिव टूवर्ड्स द फैमिली. जैपनीज एशियन कंट्रीज आप देखिए, दे आर वेरी मच सेम. ट्रेडिशनल कल्चर्स भी आप देख लीजिए बाकी. बट तो वो कहावत गलत नहीं थी, हिंदी चीनी भाई भाई. एक्चुअली बिल्कुल इट्स वेरी मच सेम. तो जब आपको डिसाइपल के तौर पे लिया आपके शिफू ने, लोगों का क्या रिएक्शन था कि यार ये तो बाहर से आया? मुझे खुद नहीं समझ आया, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या हो क्या रहा है मेरे साथ. इतने सारे मंक्स बुला लिए गए, मुझे बोला गया इतना इतना सामान ले आओ. जैसे हमारे यहाँ पूजा होती है, वहाँ पे पूजा होती है, तो बुद्धा के सामने मैंने रखा, अपने टीचर को दिया, इसको दिया, फिर चैंट्स होने लगे. और फिर सडनली ही टोल्ड मी टू गो डाउन ऑन द नी. एक कप चाय पकड़ाई, उनको दी, उन्होंने पी, एंड देन ही स्टार्टेड रिसाइटिंग इन चाइनीज. वहाँ पर ट्रांसलेटर था, वो उसने इंग्लिश में बोलना शुरू किया. तब मुझे रियलाइज हुआ कि ये तो कुछ सेरेमनी चल रही है स्टूडेंट और टीचर की. एंड देन आई हैड टीयर्स इन माय आईज, बिकॉज़ मैं समझ गया कि ही इज मेकिंग मी हिज स्टूडेंट. एंड ये 3 साल बाद हुआ मेरे साथ. तीन साल तक तो मैं ग्रुप में सीखता था, नॉर्मल बच्चे सीखते हैं. और 3 साल के बाद जो कुंफू मुझे सिखाया वो एकदम अलग था जो मैं बच्चों के साथ सीख रहा था. इट वॉज कम्प्लीटली डिफरेंट. लाइफ में और चेंजेस आए फिर उसके बाद? हाँ, बिकॉज अब जैसे फोन होता है, अब पहले आप और हम चिट्ठी लिखते थे, टेलीग्राम जाता था बात करने के लिए, फिर वो टर्र टर्र वाले फोन आए, फिर बटन आया, कॉर्डलेस आया, फिर नोकिया का इतना जाड़ा वाला फोन आया. आज आप बैठ के आईफोन से व्हाट्सएप मार देते हो. सो इट हैज चेंज्ड. सो व्हेन यू ट्रेन यू इवॉल्व. मैंने बोला था ना, इफ यू कांट बी अ स्टूडेंट यू विल स्टॉप ग्रोइंग. करेक्ट. सो फॉर एवोल्यूशन विद टाइम थिंग्स चेंज एंड यू हैव टू चेंज, बिकॉज चेंज इज द बिगेस्ट थिंग इन लाइफ. वी एज ह्यूमन बींग अ वेरी रेजिस्टेंट टू चेंज. हमारा भाई सिस्टम बैठ गया है. सिस्टम नहीं हिलना चाहिए लोगों का. नहीं, फैमिली में कोई भी चेंज आया यार, ये सब बदलाव आदमी को पसंद नहीं है बाय नेचर. और अगर आप बदलोगे नहीं, आप खत्म हो जाओगे. सो हाउ डू यू, जो माइंड तो ट्यून्ड होता है हमारा जनरली कि एक लिमिटेड चेंज एक्सेप्टेबल होता है इंसान को. जैसे आपने भी बोला, पीपल आर नॉट रिसेप्टिव टू इट. हाउ डिड यू हैव टू चेंज योर माइंड? क्योंकि एक कंफर्टेबल लाइफ छोड़ के आप एक ऐसी जगह गए थे, खाने को नहीं है, नहाने को पानी नहीं है. बहुत ही पैम्पर्ड चाइल्ड था, बहुत ही लगे सेड ना. आपने अपने माइंड को कैसे चेंज किया? मेरा ड्रीम बहुत अलग था ना. कोई अमिताभ बच्चन बनना चाहता है, कोई मतलब करोड़पति, कोई ड्राइवर, कोई रॉक स्टार. मुझे तो शाओलिन मास्टर बनना था और मैं वहीं पे था. तो मेरे लिए कोई मैटर नहीं किया. एक इंसिडेंट आया था मेरी लाइफ में जब मैंने गिव अप कर दिया था. विच वॉज 25 दिन बाद वो पेन मेरे से लिया नहीं जा रहा था. फर्स्ट 25 जो मैंने बताया ना, उठ के बैठ. तो मैं बस पकड़ के बेनफेंग शहर गया. वहाँ से वो उस जमाने में वो ट्रंक कॉल लगाया माँ को. एंड आई वॉज लिटिल सॉबिश, मतलब आवाज़ में एक थोड़ी कंपन और वो. एंड माई मॉम इज वेरी इमोशनल फॉर मी. सो मुझे लगा कि बुला लेगी वापस, कोई नहीं आ जाओ, होता है लाइक यू ट्राई इट कम बैक. और उन्होंने मुझे बोला कि बेटा अगर ये बोलने की सोच रहे हो तो सोचना भी मत. पहले आपको पढ़ लिया? हाँ, पहले ही बोल दिया फोन पे. जो काम करने गए वो खत्म करके आना. और फोन रख दिया. एंड आई वाज शॉक्ड कि अरे यार ये मेरी माँ नहीं हो सकती भाई. माँ तुम बदल गई हो. हाँ, माँ तुम बदल गई हो. लेकिन इसको कहते हैं टफ लव. कभी कभी बच्चों को टफ लव देना पड़ता है. मैं वापस गया बस पकड़ के. एंड देन आई वॉज वॉकिंग यार, शाओलिन टेम्पल सामने था मेरे. एंड आई लुक्ड एट द टेम्पल एंड आई वाज लाइक, ये मैं कर क्या रहा हूँ? 5 साल 8 साल की उम्र से मैंने रट लगा के रखी कि मुझे ये करना है. मैंने नौकरी छोड़ दी, सब कुछ कर दिया, और जब मैं यहाँ पे हूँ
आई वॉन्ट टू गो बैक, समथिंग फ्लिप्ड इन माई माइंड और फिर मैं नहीं रुका बॉस. आई ट्रेंड लाइक अ क्रेजी बीस्ट, फिर मैं नहीं रुका. मैं गांव गांव मास्टर्स ढूंढ ढूंढ के, मैं मतलब ऐसी ऐसी जगह रहा हूँ जहाँ पे खड्डे थे सिर्फ पॉटी करने के लिए, वहाँ पे रहा हूँ मैं गांव में जा जाके टू फाइंड द ट्रू मास्टर्स. लोगों से पूछ पूछ के कौन सा कुंग फू मास्टर अच्छा मिलेगा. आई ट्रेंड ऑल अराउंड शाओलिन. आई हैड 5 to 6 शाओलिन मास्टर्स, नॉट जस्ट इन द टेम्पल, ऑल अराउंड. और कितना समय बिताया आपने चाइना में? बहुत. अब 2001 से लेके आज 2024 है और मैं अभी शाओलिन टेम्पल से आया हूँ 4 दिन पहले. हाँ, वी हैड अ वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस, सो आई वॉज देयर रिप्रेजेंटिंग इंडिया एज अ शाओलिन हेड. तो इट वॉज अ वेरी बिग ऑनर फॉर मी, यू नो. आई वॉज सिटिंग विद द बिगेस्ट. आई वॉन्ट टू कम बैक टू योर मदर थोड़ा सा एक बार, बिकॉज मेरे लिए थोड़ा ना इमोशनल सब्जेक्ट होते हैं ये. लोगों की लाइफ में चेंजेस लाने के लिए दो लोगों का इम्पोर्टेंट रोल होता है. एक खुद का कि आपको मेहनत करनी है कैसे करनी जितनी भी करनी है, दूसरा पेरेंट्स का. बिकॉज जैसे कि आपने बोला टफ लव दिखाया उन्होंने, शी कुड ऑलरेडी रीड कि आप गिव अप करने का सोच रहे हो, एंड दैट वन स्टेटमेंट फ्रॉम हर प्रोबेबली चेंज योर लाइफ. क्योंकि अगर वो नहीं बोलते तो शायद आप इंडिया आके वापस रिलायंस या कहीं बैठ के अच्छी खासी एमबीए की नौकरी करके डिप्रेस हो जाता, डिप्रेस हो जाते, कुछ भी आपकी लाइफ वैसी नहीं रहती. How grateful should one be to people around their life? सबसे पहले तो parents. Very grateful. जैसे ये ऐसी बात नहीं है, कैमरे के लिए नहीं बोल रहा मैं, अपने हर इंटरव्यू में और वैसे भी जब भी ये बात आती है मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर मेरी माँ नहीं होती तो शायद मैं आज ये काम नहीं कर पाता. मेंटल सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट, बिकॉज मेरे फादर वॉज 50 व्हेन ही डाइड, वेरी यंग. आज मैं 47 हूँ, आप 3 साल लगा लो. अगर आज मैं अपने आप को देखता हूँ, इतना बुरा तो नहीं हूँ मैं, मुझे लगता है. तो और मैं 20 साल का रहूँगा, 21 साल का. तो मैंने बहुत यंग मैं अपने फादर को खो दिया. आज मैं वो मिस करता हूँ दैट आई कैन सिट विद माई फादर एंड हैव अ कॉन्वर्सेशन. वो मेरे फादर नहीं है इस वक्त. तो मैं ये भी बोलता हूँ कि यार प्लीज़ अप्रिशिएट कि आपके दोनों माता पिता जिंदा हैं एटलीस्ट. जिनके नहीं होते कभी उनसे पूछ के देखो कितना बड़ा लॉस है आपकी लाइफ में अगर एक भी पेरेंट नहीं होता. मैं उस चीज़ की बात नहीं करता. अब घर में 4 बर्तन हैं वो तो बचते हैं. क्या होता है ये सब पावर प्ले है. माँ बाप को बच्चा देखता है हाइट में बड़ा है, बच्चा पहले डरता है साइज देख के, बाप से डरता है कि बाप का थप्पड़ पड़ेगा साइज देख के. फिर वो बच्चा टीन में आता है, फिर वो बड़ा आता है, फिर वो मिर्ज़ापुर की तरह पावर प्ले गद्दी वाला सीन हो जाता है. अब 2 अल्फा मेल्स हो जाते हैं तो चिल्लम चिल्ली भी होती है माँ बाप में. दैट इज ओके, बट वन शुड नेवर फॉरगेट कि अगर पेरेंट्स नहीं होते तो आज आप ये कहने की स्थिति में भी नहीं होते. करेक्ट. वो ग्रैटिट्यूड हमेशा रखना चाहिए. और फिर जब आपकी बारी आई तो आपको पीछे नहीं हटना चाहिए. क्या होता है लेकिन ये नियति है, बच्चा पालते हो बड़ा करते हो फिर बच्चा छोड़ देता है माँ बाप को. चिड़िया बच्चा पैदा करती है खिलाती है, वो बर्ड नेस्ट से उड़ के चली जाती है, प्रकृति का नियम है. फिर उसी लड़के का जिसने माँ बाप को छोड़ा होता है उसके बच्चे होते हैं, वो बच्चे छोड़ के उसको जाते हैं. ये लूप बंधा हुआ है. इट्स अ साइकिल. तो ऐसा नहीं है कि कई माँ बाप को लगता है यार हमारा बच्चा खराब. खराब नहीं है, प्रकृति ने नियम ही ऐसा बनाया है. लेकिन मैं हमेशा बोलता हूँ जैसे मेरा एक रूल है, मेरी माँ हमेशा मेरे साथ रहेगी, ये मेरा रूल है. तो जितना हो सकता है ऑलवेज रिमेम्बर, सिर्फ माँ बाप नहीं, मैं हर उस व्यक्ति को थैंक यू बोलता हूँ जिसने जिंदगी में मुझे पीछे से पुश किया हो. हमेशा ग्रैटिट्यूड दिखाना चाहिए लोगों को जिन्होंने आपकी ज़िंदगी में मदद की है. करेक्ट. थोड़ी सी भी मदद की है. करेक्ट. तो कभी उनको ये मत आप फील कराओ, चाहे पैसे से की हो, इमोशन से की हो, या जब भी आपको लाइफ में ज़रूरत थी मेंटल सपोर्ट, फिजिकल सपोर्ट, कैसी भी जिसने भी आपकी हेल्प की, हमेशा उसको ग्रैटिट्यूड दिखाओ और पब्लिकली दिखाना चाहिए. ये नहीं कि पर्सनल दिखाओ. यू नो इट्स नॉट, वो हमेशा ये चीज़ याद रखेगा आपकी लाइफ में. सर, आपकी मदर ने आपको एक ऐसी चीज़ के लिए सपोर्ट किया जो आपका पैशन भी था, पैशन या ऑब्सेशन कह सकते हैं, बिकॉज आई थिंक पैशन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट ऑब्सेशन है.
पर अगर हम एक सटल सोसाइटी के हिसाब से देखें, पीपल ऑफन से लोग कहते हैं, ज्ञान देते हैं बेसिकली कि आपका जो पैशन है, जो आपको पसंद है, आप वो करिए, क्योंकि जैसे हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि जो मन में है वो करो, अपना डिसीजन, फेलियर, सक्सेस जो भी है आपका है। पर कई बार ऐसा होता है, जैसे शाहरुख खान की मूवी में बोला जाता है ना कि कई बार आप कोई ऐसी चीज़ करना चाहते हो जिससे आपको तो प्यार है, वो पलट के आपको प्यार नहीं करती। नाउ यू कैन डिफाइन इट एज अ फेलियर, यू कैन डिफाइन इट एज अ एज समथिंग दैट यू जस्ट कुड नॉट क्रैक और समथिंग दैट जस्ट डिड नॉट लव यू बैक। ऐसी सिचुएशन में व्हाट वुड यू टेल पीपल, बिकॉज यू हैव गॉन थ्रू अ लॉट ऑफ थिंग्स, मतलब फिजिकल स्ट्रेन से लेके मेंटल स्ट्रेन, फैमिली से दूर रह के, डिफरेंट प्रोसेसेस ऑफ लाइफ, व्हेन थिंग्स डू नॉट लव यू बैक, what does one do? Wait for some times. इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, ऐसे पानी होता है ना, जो गंदा पानी होता है, अगर आपकी लाइफ में कुछ अड़चन हो जाए बहुत, सो इट योर ब्रेन बिकम्स लाइक दैट वाटर, वो हिल जाए तो कुछ क्लियर नहीं दिखता। तो लोग क्या करते हैं कि उसी वक्त आपको क्लैरिटी, एंग्जाइटी में आपको उसी वक्त चाहिए होती क्लैरिटी, नहीं, यू हैव टू वेट देन फॉर सम टाइम्स। वो क्या होती है, मिट्टी नीचे सेटल हो जाती है और फिर वो दोबारा से क्लियर होता है। सम टाइम्स यू हैव टू सिट डाउन, सिट बैक, रीथिंक एंड देन गो एंड अटेम्प्ट अगेन इन अ डिफरेंट वे, कि ऐसा क्या हो रहा है जिसकी वजह से चीज़ वो काम नहीं कर रही, चाहे वो प्यार हो, चाहे वो पैशन हो आपके काम की वजह से, या आप यू आर ट्राइंग टू क्रैक एन एग्जाम, यू नो, बिकॉज इसके कोई फिक्स्ड आंसर्स नहीं है। बहुत से लोग, जैसे मैंने बोला, बहुत से लोग शाओलिन जाना चाहते थे, नहीं जा पाए, पैसा नहीं था, पैसा था तो हिम्मत नहीं थी, पैसा था हिम्मत थी लेकिन माँ बाप ने जाने नहीं दिया, अड़ गए। ये एक मैजिक की तरह काम करता है, इट्स लाइक दैट वो क्यूब्स नहीं होते, इसलिए परिवार बोलते हैं, वो जब तक सब एक साथ ठीक से नहीं बैठता, आज तेंदुलकर नहीं होते अगर उनके पापा उनको डेली लेके उस पार्क में नहीं लेके जाते बैटिंग कराने के लिए। एक टॉर्च चाहिए होती है जो आपके पीछे होती है, तभी टीचर आगे, उस बच्चा आगे चलता है। तो वो गुरु है, दोस्त है, पेरेंट्स हैं, वो क्लैरिटी देने के लिए एक गाइड जरूर चाहिए होता है लाइफ में आपको। और आपको ये गाइडेंस मिली आपके शिफो के रूप में जब टेंपल में थे? मेरे टीचर, मेरी मदर, यू नो, आई टेक गाइडेंस फ्रॉम एवरीवन, यू नो, आई टेक अ लॉट ऑफ सजेशंस फ्रॉम माय वाइफ नाउ, यू नो, आई हैव अ 14 ईयर ओल्ड सन, यू नो, पीपल ऑल्सो गेट कन्फ्यूज, दे कॉल मी शाओलिन मंक, अरे मैंने कहा भैया आई एम नॉट अ मंक, अरे आप कपड़े ऐसे पहने, ठीक है ना, हर कंट्री का कल्चर अलग है, गेरुआ यहाँ पे मंक्स की ड्रेस हो सकती है, वहाँ पे नहीं है, वहाँ शाओलिन मंक ग्रे ड्रेस पहनते हैं आजकल, एकदम ग्रे, ठीक है ना, एंड दे आर टू डिपार्टमेंट्स, ले मंक्स, फुल्ली इंडोक्ट्रेटेड मंक्स, ओके, फुल्ली इंडोक्ट्रेटेड मंक्स टेम्पल के अंदर रहते हैं, ओके, साधु जो सेलिब्रेट हैं, जो सेक्स नहीं कर सकते, मीट नहीं खाते, पूजा करते हैं, बुद्धिज्म फॉलो करते हैं, फिर है मार्शल मंक्स, फाइटिंग मंक्स, दे आर कॉल्ड सुजादिज, सेक्युलर डिसाइपल्स, ओके, यू लर्न, यू गो बैक टू योर हाउस, यू लिव अ नॉर्मल लाइफ एंड यू टीच। अब कराटे की एक ड्रेस है, कुंफू में बेल्ट्स नहीं है, कुंफू में लेवल्स होते हैं, ओके, रूमन, छूजी, जोंगजी, गाओजी, यू नो, चाओलियन, लाओश, शिफू, शिफू मीन्स अ टीचर लाइक फादर, दैट इज द मीनिंग ऑफ शिफू, ओके, सो इट इज अ डिफरेंट कल्चर एंड अ डिफरेंट मेथड। एंड लाइक आई सेड, जो हम बात कर रहे थे, आई एम गोइंग अ लिटिल ऑफ ट्रैक विद यू, मार्शल आर्ट्स में एक साइंस है, इट इज प्योर मैथमेटिक्स, ओके, इंडिया में प्रॉब्लम क्या है, मार्शल आर्ट्स पढ़ते नहीं है, मार्शल आर्ट्स रटते हैं, एक फॉर्म 5 के 1, बॉडी तो आपने पढ़ी नहीं है, बॉडी इज डिवाइडेड इंटू सर्कल, स्क्वायर्स, ट्राइंगल एंड स्ट्रेट लाइन, जो आपने बचपन में स्कूल में पढ़ी थी, फाइटिंग इज डन ऑन द प्रिंसिपल ऑफ बाइसेक्टिंग लाइन्स, यू पिन द पीपल ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ट्राइंगल्स, आपकी बॉडी में, आपकी पूरी बॉडी ट्राइंगुलेटेड है,
एक माँ जब डिलीवरी देती है, माँ के पांव भी ट्रायंगल की शेप में होते, तब बच्चा बाहर निकलता है। करेक्ट। अभी आप जैसे बैठे हैं, आप देखिए, You have a triangle here. एक ट्रायंगल में तीन एंगल्स होते हैं। समय तो स्क्वायर भी है पीठ पे। हाँ, ये हम लोगों का स्क्वायर बॉडी दी है ना भगवान ने, देखिए। मेरे तो फैमिली पैक पर है। वो उसके प्रॉब्लम नहीं, वो सर्कल है। तो ये स्क्वायर है। एक ट्रायंगल में तीन साइड्स होती है, तीन एंगल है। अगर स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रक्चर इन द वर्ल्ड इज व्हाट? पिरामिड। पिरामिड। इस चौतरफा से ज्यादा स्ट्रॉन्ग तीन पांव वाली टेबल होती है। ऐसा क्या है तीन में जो हम मार्शल आर्टिस्ट यूज करते हैं? And I can guarantee you, 90% of the martial artists don't know this. अभी मैं जो आपको बताऊंगा, 90% of martial artists have not studied this. क्योंकि martial arts पढ़ा नहीं है। जैसे टीचर ने रटा दिया वैसे रट लिया, पांच किक सीख ली गोल्ड मेडल लाने के लिए कॉम्पिटिशन में, और उनके हिसाब से वो मार्शल आर्ट्स है। नहीं, मैंने आपको पहले बोला ना, मैंने जिंदगी में कम से कम 2-3 करोड़ रुपए अपनी नॉलेज में लगाए हैं। और आज भी मैं जाके इन्वेस्ट करता हूँ अपनी नॉलेज पे, बिकॉज ये भी मेरे पिताजी मरने से पहले मुझे बोल गए थे कि बेटा, मनी इज नॉट योर फिक्स्ड डिपॉजिट, नॉलेज इज। पैसा खत्म हो जाएगा बैंक से, लेकिन नॉलेज कभी खत्म नहीं होती। इट विल नेवर लेट यू स्लीप एम्प्टी स्टमक। विद्या है तो कभी भूखे नहीं मरोगे। लोग विद्या में इन्वेस्ट नहीं करते, और विद्या सीखने में पैसा भी नहीं देना चाहते। ये भी हमारे इंडिया में मार्शल आर्ट सीखना है, दारू की बोतल के लिए 15,000 रुपए हैं आपके पास, परफ्यूम खरीदने के लिए 20,000 रुपए हैं, लेकिन अगर वही 5,000 रुपए एक टीचर मांग ले, भाई तो बहुत महंगा है यार। महंगा बहुत है। आई एम सॉरी टू से, ये हमारा फ्लक्स है इंडियन मेंटालिटी का। तो ये ट्रायंगल आपके उंगली देख लीजिए कितनी है, तीन जॉइंट है। ये तीन जॉइंट है। आप जैसे आदमी को अगर मुझे कंट्रोल करना है, क्या मैं कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। मेरी हाइट कितनी है? 5'5". आपकी हाइट कितनी है? 10.5। 5'10" कैसे हो सकता है? आप तो मैं लेकिन नहीं, साइंस मैं अभी करके दिखाऊंगा आपको। साइंस ऑडियंस को लेके आऊंगा सर। नहीं नहीं नहीं, आप यहीं बैठे बैठे करेंगे, हम कुछ खड़े होके नहीं। मैं आपको एक चीज दिखाऊंगा, फील कराऊंगा। ऐसा कैसे हो सकता है? जॉइंट मैनिपुलेशन इज अ साइंस। जब आप ट्रायंगल को, अगर एक ट्रायंगल है और उसको हिलाना है, तो आप क्या हिलाओगे? एक साइड हिलाओगे ना। इसी तरह एक आदमी को अगर ऑफ बैलेंस करना है, तो उसका एक जॉइंट ऑफ बैलेंस करना पड़ेगा। करेक्ट। अब जैसे आपका हाथ है, इसमें कितने जॉइंट है संदीप? 1, 2, 3। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन है। अभी मैं कुछ भी करूंगा आपको कुछ नहीं होगा, लेकिन यही जॉइंट मैंने ट्रायंगल बना दिया। ठीक है, अभी कुछ नहीं हुआ। अभी मैं इधर प्रेशर दूंगा तो आपको लगेगा कंधा निकल आया। आप इस हाथ से आप मेरे को कुछ भी नहीं कर पाएंगे। देखिए, सी, करेक्ट है, इंश्योरेंस करवानी पड़ेगी हाथ की अगली। दिस इज साइंस। वाओ, दैट वाज पेनफुल। हाँ, और ये हम कहाँ यूज करते हैं? जैसे आपने मेरा हाथ पकड़ा, पकड़ लीजिए टाइट, टाइट पकड़ लीजिए, जितना पकड़ सकते हैं, जितना पकड़ सकते हैं, इतना ही है सर। सी द साइंस टेल मी। अब आप वहां से जरा हाथ उठाइए, नहीं उठेगा क्योंकि सब कुछ दिमाग यहाँ आ गया पूरा, वो तो काम ही नहीं कर रही। हाँ, तो जॉइंट इज लाइक दिस। आपको ऑफ बैलेंस, एक जॉइंट, टू जॉइंट, थ्री जॉइंट, सी, वन जॉइंट। आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग, आई एम जस्ट मैनिपुलेटिंग द जॉइंट्स। और बॉडी हर डायरेक्शन में अपने एवरी डायरेक्शन इट मूव्स। सो इट्स नॉट हाउ यू होल्ड मी, आई मस्ट हैव द नॉलेज ऑफ मैनिपुलेटिंग अ जॉइंट। इफ यू होल्डिंग माई नेक, I don't need to consider this and this. Force is coming from here. See, joint manipulation. लोग पढ़ते नहीं, रटते। Technique won't take. No, there is no technique. Kung Fu Panda में बोला ना, there is no secret ingredient. Knowledge. इसी तरह आता है square. Square में होते हैं चार side. ये building चार pillar पर खड़ी है, correct? आपके हमारी body में चार क्या है? दो हाथ, दो टांग। तो थप्पड़ मारे तो हाथ तोड़ो, टांग मारे तो टांग तोड़ो। हाथ का काम हाथ करेगा, टांग का काम टांग करेगा। यू मस्ट स्टडी द बॉडी ऑल्सो। करेक्ट। अभी आपकी बॉडी है, इतना स्ट्रांग बॉडी में इधर मारूंगा कुछ होगा? नहीं। हाँ, सी, ये आपका पांव है। हाँ, अच्छा, तुझे नहीं बुलाया। हाँ, सो आई एम जस्ट शोइंग यू
When I see, I don't see the person. I just see the points. I just need to touch that. So it's reading the whole body basically. एक point. It's like an MRI scan. अब लोग बोलते हैं, अरे सर, मैंने कहा क्योंकि बेटा आप पढ़े नहीं, आप नहीं गए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, मैं गया. आपके टीचर ने नहीं सिखाया. हम ये बोलते हैं, देर आर नो गुड एंड बैड स्टूडेंट्स, देर आर ओनली गुड एंड बैड टीचर्स. करेक्ट. आपके टीचर नहीं पढ़े, उन्होंने वो सीखा जो उनके टीचर ने सिखाया, उन्होंने आपको उतना ही सिखाया. लेकिन अगर आप में शिद्दत हिम्मत होती तो आप उसमें रिसर्च करते हैं. करेक्ट. आप इसको पढ़ते हैं, आप किताबें लाते हैं, फिर आप टीचर ढूंढते हैं, फिर जाके अकेले रहते हैं और सीखते हैं. मार्शल आर्ट सिर्फ लड़ना नहीं है. इन शाओलिन वी कॉल इट चैन वू यी. चैन इज ज़ेन, मेडिटेशन, टू बी इन द प्रेजेंट. वू इज मार्शल आर्ट्स, ये इज हीलिंग. अगर मैं आपको चोट पहुंचाना जानता हूं तो मुझे आपको ठीक करना भी आना चाहिए. ये है कंप्लीट मार्शल आर्ट्स. इट इज नॉट जस्ट फाइटिंग सिस्टम. तो आपको ये वो मेडिसिन वगैरह पता है? नहीं, मेडिसिन नहीं. मेडिसिन तीन तरह की मेडिसिन है चाइनीज हीलिंग में. TCM दवाइयाँ, मसाज जो मैं करता हूँ लिलियाओ, एंड चीगोंग. जैसे हमारे योगा में प्राणायाम बोलते हैं, चाइनीज में चीगोंग बोलते हैं. ची इज एनर्जी, गोंग इज मूवमेंट. Okay. To cultivate your chi and energy, you know. This is Reiki. Reiki something is like a little that? Different, something like that, but it's not. This is life force. Okay. You manipulate the life force. Okay. ठीक है ना? So हम muscle से काम नहीं करते, हम internal energy से काम करते हैं. Force से, force to force मेरा और आपका कोई match ही नहीं. आप बहुत strong हैं मेरे से. लेकिन mind force को you can control everything from mind. जैसे आप दोबारा से हाथ पकड़िए, मैं लॉक वॉक कुछ नहीं करूंगा. जितना टाइट पकड़ सकते हैं पकड़ लीजिए. हाँ, ठीक है ना. हिलाने नहीं दीजिए. ओके. बट आई विल पुट माय माइंड हियर. ओके. या एंड आई विल यूज माय फोर्स. ओके. ये निकल जाएगा. बट आपने बहुत टाइट पकड़ा हुआ था, यू नो, दे नो इट, यू नो इट. हवा की तरह निकल गया. हाँ, निकल गया. क्योंकि आई एम यूजिंग माय फोर्स, आई यूज माय एनर्जी. लोग हमारे हिंदुस्तान में शफा देते थे ना. हाँ, वो शफा क्या है? क्यों हम लोग आशीर्वाद ऐसे देते हैं? वो क्या है? वो ची है, एनर्जी. बेटा गॉड ब्लेस यू बेटा. ये क्यों दे रहे हैं? ये क्या निकल रहा है यहाँ से? ये हमारे हिंदुस्तान में भी है ना. वही कल्चर सिमिलैरिटी है. We are back to basically stitching things together. Trying to tell the audience and to a lot of young people जो ये करना चाहते हैं कि बेटा पढ़ो, ये पढ़ाई है, ये गेम्स नहीं है, खेल नहीं है. अगर ये खेल होता तो उसका नाम मार्शल स्पोर्ट्स होता, मार्शल आर्ट्स नहीं होता. आर्ट है, कला है. ये कैमरा चलाना है, कला है. ये जो आप कर रहे हैं ये भी एक कला है. आर्ट कैन नॉट बिकम स्पोर्ट्स. आज प्रॉब्लम ये हो गया है, आजकल मार्शल आर्ट्स को स्पोर्ट्स बना दिया है. ये ओलंपिक में जा रहा है, ये उसमें जा रहा है, अभी आप केज में जाके लड़ो. पर बड़े लिमिटेड तरीके से चाक एक मार ली, कोई गिर गया, जीत गया, खत्म हो गया. ऐसा है ना, ये वाले करियर जल्दी खत्म हो जाते हैं. 30 साल में आप रिटायर हो जाते हो लड़ लुड़ के. 40 लड़ाई लड़ ली आपने केज के अंदर, करियर खत्म. इफ यू आर अ ट्रू योगी, आप पूरी जिंदगी कर सकते हो. यू आर ट्रू मार्शल आर्टिस्ट, यू स्टार्ट बिकमिंग बेटर. ये फर्क है. और ऐसी बात नहीं, सेटबैक सबके साथ आते हैं लाइफ में. मेरे साथ में भी सब चीज, मेरी ये उंगली टूटी है, स्लिप डिस्क हो गया है, बट आई डोंट स्टॉप. फॉल, गेट अप, वॉक. मुझे तो लग रहा है मेरा हाथ भी टूट गया. नहीं नहीं, ऐसे फील आ रही है मुझे. बट यू कैन अंडरस्टैंड कि मैंने ऐसा कुछ किया नहीं था, बट इफ आई डू इट, इट विल ब्रेक. तो तीनों जॉइंट टूट जाएंगे एक बार में. तो ऐसे शाओलिन में 72 मेथड्स हैं ऑफ ब्लॉकिंग द पर्सन. ट्रेनिंग के टाइम पे आपके हाथ पांव टूटे? सर ये देखिए उंगली मेरे टीचर ने तोड़ी हुई है. ऐसे पकड़ के दिखाया, ऐसे तोड़ते, कटाक उंगली टूट गई, वापस लगाई, रुई लगाई, बोल रहे स्टार्ट ट्रेनिंग. ऐसे मजाक मजाक में. हाँ, स्टार्ट ट्रेनिंग. वो टूटी हुई थी. इट्स लाइक व्हाट, स्टार्ट ट्रेनिंग. आँख फाड़ दी, स्टार्ट ट्रेनिंग. एक बार से ये देख रहे हैं सब. सो वी हिट द टायर्स विद द स्टेक 1000 टाइम्स. लोग तो 100 बार में, यहाँ चमड़ी निकल गई, खून निकल रहा है. सो आई स्टॉप्ड. सो ही केम एंड टोल्ड मी, क्या हो गया, यू विल लेट अ पीस ऑफ स्किन डिफीट यू. तो मैंने देखा यार, तो एक स्किन का पीस ही है. एक स्किन का पीस 5 feet 5 inches के आदमी को नीचे गिरा देगा क्या? देन ही सेड होल्ड द स्टिक बैक, निकलने तो खून. That is mental toughness.
कॉमेडी फिल्म तो आप खा ही रहे थे तो वो भी काम आ गई, बट दैट वाज ओनली फर्स्ट 25 डेज। उसके बाद यू वर यूज्ड टू इट कि अब हां, उसके बाद बॉडी हमारी ऐसी है ना, आप जितना एसी में बैठोगे उतना एसी मांगेगी। आई एग्री। रिक्शा चलाने वाला 55 डिग्री में जब टेम्परेचर था तब भी चला रहा था, आप और हम हॉस्पिटल पहुंच जा रहे थे, एसी काम नहीं कर रहा। बॉडी ऐसी है, आप जैसा बनाना चाहते हो वैसी बनती है, आप उसको जैसा एडजस्ट करोगे। एक टाइम के बाद एवरीबडी हैज टू डू देयर हार्ड वर्क। जब मैं 21 का था तब मैंने ये सब किया, अब आज आप मुझे बोलोगे 47 के कि आप दोबारा कर लोगे, तो मैं शायद बोलूंगा नहीं कर सकता शायद। एज का भी एक फैक्टर होता है, पता है लोगों को अब भी ये लगता है, लोग मेरे से इंस्टाग्राम में सवाल करते हैं सर आप भी ये कर लो। अरे मैंने कहा बेटा मैं 47 का हूँ, आई एम नॉट यंग मार्शल आर्टिस्ट। कभी कभी मुझे बोलते हैं सर व्हाई डोंट यू गो इन यूएफसी, मैंने कहा बेटा मेरी यूएफसी की एज चली गई है, अब 47 की उम्र में यूएफसी नहीं जाने वाला मैं। मैं 23, 24, 25, 26 साल की उम्र तक थाईलैंड में लड़ता रहा, आई डिड माई फाइट्स, सो आई हैव डन माई बिट, अब आप करो, आई कैन ओनली गाइड यू। हर लाइफ में हर फेज आती है। तो इन सब चीजों के बीच में हाउ डिड यू कनेक्ट विद द इंडियन आर्म फोर्सेस, जैसे कि आप ट्रेनिंग देते हो? लाइक आई सेड दैट 2000 जब मुंबई अटैक हुआ तो मुझे लगा कि हमारी आर्म फोर्सेस में जो अनआर्म कॉम्बैट सिस्टम है वो थोड़ा इट्स नॉट अपग्रेडेड, एंड आई वांटेड टू डू समथिंग, सो आई वेंट टू फिलीपींस एंड मैं ये सिस्टम इंडिया लेके आया कॉल्ड पिकिरी टर्शिया काली। ओके, इट मींस क्लोज क्वार्टर इमोबिलाइजेशन किलिंग। I got this system and I introduced it to the Indian Armed Forces. तो मुझे पहले एक इंट्रोडक्टरी ट्रायल कोर्स दिया गया स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग स्कूल ऑफ इंडिया में, जहाँ पे इंडिया के बेस्ट दो दो कमांडोज हर पैरा यूनिट से लेके आए। मैंने वो कोर्स कराया, फिर उनसे फीडबैक लिया गया दैट इज दिस कोर्स गुड एंड इज दिस बॉय गुड, फिर वो अप्रूव हुआ और उसके बाद रेस्ट इज हिस्ट्री। मार्कोस, NSG, पैरा स्पेशल फोर्सेज, स्पेशल टास्क फोर्स, सब जगह I taught and my course became an official course in the Special Forces Training School. They had to pass that course. It became a cadre. And I used to teach people there how to immobilize, killing is a bad word, how to immobilize some, neutralize in 3 to 4 seconds. मैं भी कर सकता हूँ सर उसको, हाँ 3 सेकंड में, हाँ बिल्कुल। तो but it's that skill I only teach to the armed forces because it's, they are professional, they need it, they are paid to kill, correct, that's their job. Wo nahi marenge to terrorist unko marega. Aur ye bhi baat hoti hai abhi close quarter combat ki zarurat nahi hai, guns hain, correct, lekin zarurat padti hai aur zarurat sirf uske liye nahi padti. When you train this kind of combat system it changes your brain. It changes your brain. You're always scanning, very active, you know, it makes you highly very spontaneous behavior develop. Galwan is a prime example of it. Huh? Galwan, it was all hand-to-hand combat. Huh. Was and so, how receptive are I know our armed forces, I have huge respect, but unme, how receptive were they to this idea ki okay there is something new that we need to try upgradation jaisa. See wo mere haath mein nahi hai, ye to jo bosses ne karaya hoga wahan pe. Mera kaam hai art dikhana. To unko pasand aaya, they approved it and then I taught it. Aur jo system mein leke aaya wo 60 deshon mein follow kiya jata hai, armed forces mein hi sir. Wow. Aaj main apna system sikhata hu, it's called Shifu Kanishka Combatives. तो जो मैंने 8 मार्शल आर्ट सीखे अपनी ज़िंदगी में 40 साल में मार्शल आर्ट्स के एक्सपीरियंस है, उन सबको मैंने मिला के उन सब की बेस्ट टेक्निक्स निकाल के मैंने अपना सिस्टम बनाया है और अब मैं वो सिखाता हूँ आर्मी में। एंड हाउ डिफरेंट आर दीज मेथड्स आर्ट के आर्ट जो सी आप और मैं एक नहीं हो सकते, नो सिस्टम इज़ द बेस्ट सिस्टम। फिलीपींस में नाइफ इज़ द बेस्ट क्योंकि 80% ऑफ द किलिंग इन फिलीपींस इज डन बाय नाइफ ओनली, वहाँ पे नाइफ स्टैबिंग बहुत होती है, तो वहाँ उनका कल्चरल वो है, सो नोबडी कैन डू अ नाइफ फाइटिंग बेटर देन अ फिलिपिनो। स्टाफ में शाओलिन इज वेरी गुड, मोइथाई इज वेरी गुड इन किकिंग रेंज, जिजित्सू इज वेरी गुड ऑन द ग्राउंड। सो आपको समझना पड़ेगा एंड यू कांट बी यू नो कि नहीं मैं सिर्फ यही जानता हूँ, टाइम हैज चेंज्ड, लड़ाई और इमरजेंसी टाइम और जगह देख के नहीं आती, आपको बाथरूम में भी लड़ना पड़ सकता है,
देयर विंग चुन वर्क्स द बेस्ट, टैकवांडो काम नहीं करेगा बिकॉज आप किक नहीं मार सकते। आपको स्विमिंग पूल के अंदर डाल दिया, आप कैसे किक मारोगे? आपको अंडर वाटर लड़ना है, कैसे किक मारोगे? सो आई टीच देम स्कूबा नाइफिंग, या और मेथड ऑफ सबमिटिंग द गाय इनसाइड द वाटर। आप कीचड़ में हो, आप गिर रहे हो, जिजित्सु काम आ जाएगा, कुश्ती काम आ जाएगी। सो यू डोंट चूज योर प्लेसेस टू फाइट, सो यू नीड टू हैव द नॉलेज ऑफ लॉन्ग रेंज, मीडियम रेंज, क्लोज रेंज, एक्सट्रीम क्लोज क्वार्टर, गोइंग डाउन टू द ग्राउंड एंड गेटिंग अप इमीडिएटली। इफ यू आर फाइटिंग मल्टीपल ओपोनेंट, यू कैन नॉट डू जिजित्सु ऑन द ग्राउंड। जिजित्सु वर्क्स वन ऑन वन। अब आप और मैं लड़ रहे हैं, आप जिजित्सु करते हो, मैं नहीं करता, आप बहुत अच्छे हो, आप मेरे ऊपर चढ़ गए, लेकिन मेरे दो दोस्त भी खड़े हैं, क्या करेंगे? पीछे से आगे पकड़, पीछे ईटा मारेंगे, दो लात मारेंगे आपको, अब वहां पे जिजित्सु काम नहीं करेगी। आप समझ रहे हैं? स्पेस और वो होती है, सो यू हैव टू ट्रेन। इसका मतलब ये नहीं कि मिक्स मार्शल आर्ट्स करो, मैं ये भी बता दूं, लोगों को बड़ा कंफ्यूजन है कि मिक्स मार्शल आर्ट्स मींस सेल्फ डिफेंस। नो सॉरी, मिक्स मार्शल आर्ट्स टीचेस यू टू फाइट वन ऑन वन ओनली। इट इज द बेस्ट कॉम्बैट स्पोर्ट्स, इसलिए उसको स्पोर्ट्स में ही गिनती गिरी जाती है। इट इज नॉट सर्वाइवल आर्ट। सड़क में आप जाते हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी में लोग हॉकी स्टिक, सरिया, डंडे सरिया लेके तैयार होते हैं। हाँ, आपका एमए में सब निकल जाएगा हवा में। वहाँ आप चार लोगों से लड़ोगे। देन यू नीड टू हैव द नॉलेज ऑफ एज एंड इम्पैक्ट वेपन। उसमें ये काली मार्शल आर्ट्स जैसे मैं बता रहा हूँ, रैट, इस टाइप की जो सिस्टम्स मैं सिखाता हूँ, वो बहुत कारगर है बिकॉज दे डील एंड ट्रेन इन दैट ओनली। सर्वाइवल मार्शल आर्ट्स के लिए सर्वाइवल मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग चाहिए होती है। एक है मार्शल आर्ट्स, होलिस्टिक मार्शल आर्ट्स, फिर आता है मार्शल स्पोर्ट्स, टैक्वांडो, जूडो, कराटे ओलंपिक्स में चले, कॉम्बैट स्पोर्ट्स, एमएमए, मुए थाई, सेंशाओ, सेंडा, सर्वाइवल कॉम्बैट जो आर्मी करती है, या आप सेल्फ डिफेंस की बात करते हैं, बट वो ये डोजो में कराटे टैक्वांडो सीख के नहीं आ सकता। ये सिस्टम्स एज एन स्पोर्ट्स की तरह आप सीखोगे तो नहीं कर सकते। यू अंडरस्टैंड? कराटे मेरा पहला मार्शल आर्ट था। ओल्ड स्कूल कराटे इज अ वेरी ब्यूटीफुल आर्ट फॉर्म, टैक्वांडो इज अ वेरी ब्यूटीफुल आर्ट फॉर्म, लेकिन स्पोर्ट्स टैक्वांडो, स्पोर्ट्स कराटे, जब भी स्पोर्ट्स आ जाता है, टेक्निक्स ट्रेनिंग बहुत लिमिटेड हो जाती है। सो आई एम नॉट सेइंग एन आर्ट इज गुड एंड बैड, नो आर्ट इज गुड एंड बैड, हर आर्ट में कमियाँ और अच्छाइयाँ हैं, इसलिए मैंने अपना सिस्टम बनाया, और बनने के बाद भी मुझे लगता है उसमें कमियाँ हैं जो मैं जा के सीखता हूँ, पूरी करता हूँ ग्रो करने के लिए। बट सर्वाइवल इज समथिंग एल्स एंड ऑल दीज आर डिफरेंट, सो वन हैज टू बी वेरी क्लियर। स्टूडेंट्स जिसमें ना रहे एक मिस्ट में कि मैं मार्शल आर्ट्स करता हूँ तो मैं लड़ लूंगा, नहीं बेटा, ये गलत फहमी मत रहना। आई हैव फॉट फाइव पीपल इन द स्ट्रीट। सर मैं उस पर आने वाला था, लास्ट क्वेश्चन टाइप, क्योंकि समय काफ़ी ज़्यादा ले लिया मैंने आपका, बट लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूँगा सर, पांच लोगों से आपने झगड़ा लड़ाई करी है, ये तो नाइफ अटैक भी मेरे ऊपर हुआ है, आई हैव सर्वाइव्ड दैट आल्सो। बट जैसे मूवीज में हम देखते हैं सर, जिस अभी रिसेंटली भी कोई एक मूवी आई थी, कोई टीचर कहता है एक स्टूडेंट को कि वन ऑन वन लड़ो, फिर वन ऑन टू होता है, फिर थ्री ऑन वन होता है, फाइव ऑन वन होता है। आपकी ट्रेनिंग में वैसे होता था लाइक द नंबर ऑफ पीपल दैट यू हैव टू फाइट अगेंस्ट, ट्रेन अगेंस्ट एट द सेम टाइम, वो भी चेंज होते हैं? मैं मिलिट्री में कराता हूँ, मेरा जो फाइनल टेस्ट है विच इज 1 vs 20 स्पेशल फोर्स। पहले 10 तो लोग एक एक मिनट, दो को देख के भाग जाऊंगा, एक एक मिनट तक मैं लड़वाता हूँ 10 लोगों से बिना पानी के। उसके बाद रैंडमली लोग अटैक करते हैं, तो अगर 50 लड़के सीखते हैं तो 50 में से शायद मेरा टेस्ट एक या दो ही पास कर पाते हैं। मेरा फाइनल टेस्ट बहुत टफ है मिलिट्री का, मिलिट्री कॉम्बैट का। तो मैं इंस्ट्रक्टर्स भी क्रिएट करता हूँ जो मिलिट्री में जाके ट्रेनिंग देते हैं, सो वो मेरे कोर्सेज अटेंड कर सकते हैं जो मैं अपने गुरुकुल में सिखाता हूँ। बट जब वो फाइट हुई थी 5 लोगों से, इट एंडेड इन 7 seconds 10 seconds, दैट्स इट। हाँ, वन पंच वन आउट वाला सीन था, मुझे याद नहीं क्या हुआ, इतना याद था उसने कॉलर पकड़ के मुझे घूसा मारने की कोशिश की थी, एंड आफ्टर दैट मतलब इट वेंट रियली फास्ट। मेरे को क्या अपना प्रगति मैदान पुलिस स्टेशन में लेके गए थे, पूछ रहे थे कौन सी चीज़ से मारा भाई तुमने, हाथ इस्तेमाल किए थे। सर
जैसे मैंने बोला क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, बट आई एम प्रीटी श्योर कि हम फिर जल्दी मिलेंगे दोबारा। नहीं नहीं बिल्कुल, और बातें करेंगे। और आपके शो के तहत मैं एक मैसेज पास करना चाहता हूँ, प्लीज डू नॉट बिकम अ बुली आफ्टर लर्निंग मार्शल आर्ट्स, और प्लीज इट इज गुड टू फाइंड अ राइट टीचर फॉर 10 ईयर्स रादर देन लर्निंग रॉन्ग अंडर अ रॉन्ग टीचर फॉर 10 ईयर्स। सिर्फ ये कूल बनने के लिए MMA करने की जरूरत नहीं है, आप वो करो जिससे आप कनेक्ट करते हो, रिसर्च करो डिफरेंट मार्शल आर्ट्स के बारे में, जो आपकी बॉडी टाइप अलाउ करती है आप वो करिए, ये मेरा एक सजेशन है बच्चों को। बिल्कुल हाँ। चलिए सर, जैसे मैंने बोला आप लोगों को कि वीडियो मेरे लिए तो बहुत इंस्पायरिंग रहा है, आई हैव कम टू लर्न अ लॉट। एक होता है ना एक माइंड सेट चेंज होता है आफ्टर यू लिसन टू समवन हु हैज एक्सपीरियंस थिंग्स, जिन्होंने अलग अलग सिचुएशन में चीज़ों को हैंडल किया है। तो सर आज समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जैसे मैंने बोला फिर से जल्दी मिलेंगे। बिल्कुल आज धन्यवाद, लवली मीटिंग, थैंक यू सो मच, थैंक यू।